नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की, बैठक की, तो इसी के साथ ही इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम मुख्यमंत्रियों के कामकाज का जिक्र किया, इसी के साथ ही उनके कार्यों की तारीफ भी की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, खासकर अगर हम बात यूपी की करें, महाराष्ट्र की करें, हरियाणा की करें या पश्चिम बंगाल की करें, तो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्पष्ट तौर से और जो इनके डिप्टी सीएम रहे या फिर इनके राज्य से जुड़े जो लोग रहे बीजेपी के, उनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि यहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने कई सारे अहम सुझाव भी दिए जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के लिए जीत का अहम मंत्र माना जा रहा है, जो कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने जो असम में काम किया नौकरियों को लेकर के, इसकी भी प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के एक सांसद कम हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुल्तानपुर से बीजेपी नेता और मेनका गांधी, उन्होंने अब उनके चुनाव को लेकर के चुनौती दे दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उनका कहना है कि जो सपा के सांसद ने सुल्तानपुर से जीत हासिल की है उसे मैं चुनौती देती हूं, क्योंकि उन्होंने कई सारी अपनी आपराधिक हिस्ट्री को छिपाने का काम किया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये सबूत सच मालूम पड़ते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का एक सांसद कम भी हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बेहद खराब रहा। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में दो दिनों की बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बैठक के साथ आज का भी दिन जारी है। पहले दिन ये बैठक 3.5 घंटे तक चली थी। बता दें कि इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और एनडीए शासित 3 राज्यों के सभी उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को खास सुझाव दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। उन्होंने संगठन और सरकार के बीच विवाद को लेकर बयान दिया, जो कि पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। ऐसे में आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया और यह सुझाव दिया गया कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में सहजता के साथ लागू किया जाए। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव बीजेपी को हुए नुकसान को लेकर के कहा कि मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरान मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी भी तरीके से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। इस बैठक के दौरान अयोध्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए भी सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा स्थापित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बैठक के दौरान ही त्रिपुरा सरकार के गवर्नमेंट एट योर डोरस्टेप कार्यक्रम की सराहना भी गई और इसी को अन्य राज्यों को फॉलो करने के लिए भी कहा गया। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसी बैठक में असम सरकार की सरकारी रोजगार देने की स्कीम की भी प्रशंसा की गई। साथ ही बताया गया कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके को अपना करके असम ने पिछले साल में 1 लाख नौकरियां दी, जो कि सकारात्मक रहा है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने जो काम किया और गुजरात सरकार ने जो काम किया, इसके कार्यों को भी बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सराहा गया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो बीजेपी की पूर्व सांसद
बाद मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के हालिया निर्वाचन को चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि सपा सांसद राम भुआल निषाद से 43,174 मतों से हारने वाली मेनका गांधी ने शनिवार को न्यायालय रजिस्ट्री में चुनाव याचिका दायर की है। इस याचिका पर 30 जुलाई को लखनऊ पीठ में सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि निषाद ने हालिया लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी को छिपाई है। इसमें दावा किया गया है कि निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में केवल 8 मामलों की जानकारी दी है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि निषाद ने गोरखपुर जिले के पिपराइज पुलिस स्टेशन और बड़हालगंज पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। याचिका में हाईकोर्ट से निषाद के निर्वाचन को रद्द करने और मेनका गांधी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह भी किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री मेनका गांधी की ओर से चुनाव याचिका एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में कई दस्तावेज पेश करते हुए याचिका में कहा गया है कि राम भुआल निषाद ने गलत झूठी जानकारी देकर चुनाव लड़ा है, इससे उनका चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन पर 12 मुकदमे दर्ज है, लेकिन उन्होंने केवल 8 का ही जिक्र किया है। सुनिए वकील प्रशांत अटल का ये बयान, जिसमें वो इस याचिका को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट से राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें अपने बारे में 8 क्रिमिनल हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी, ये 8 केसेस की हिस्ट्री है। जबकि सच्चाई ये है कि 12 केसों में या तो वो आरोपित हैं या जमानत करा चुके हैं या ट्रायल चल रहा है, तो उन्हें पूरी जानकारी थी। उसके बावजूद जानबूझ के एक सही तथ्य छिपाया गया है, इसीलिए श्रीमती मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की गई। कल 12:25 पे श्रीमती मेनका गांधी सीनियर रजिस्ट्रार विवेक जी के यहां अपियर हुई हमारे साथ और उन्होंने मुकदमा दाखिल किया। सेक्शन 100 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर गलत तथ्य छिपाकर आपने नामांकन पत्र दाखिल किया तो चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव रद्द होगा। आपको नोटिस हुई है और अब दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। कि बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता राम भुआल निषाद ने मेनका गांधी को 43,174 वोटों से हराया था। इससे पहले मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट पर 2019 में जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में उनके बेटे वरुण गांधी ने यह सीट जीती थी। आपको बता दें कि इन चुनावों में देखने को मिला था कि कैसे यहां पर मेनका गांधी जो है वो भगवा तो नहीं लहरा पाई, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जो है निषाद उनके निर्वाचन को चुनौती दे डाली है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, ये अपने आप में एक झूठ है और झूठ के बिहाब पर ये चुनाव उन्होंने लड़ा है, जिसकी वजह से उनके निर्वाचन को रद्द कर देना चाहिए और मेनका गांधी को निर्वाचित कर देना चाहिए। यानी कि मेनका गांधी सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो सपा के सांसद हैं उनकी सांसदी को खत्म कर दें और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से सांसद घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक सांसद समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से कम हो जाएगा और ये अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।